माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम द्वारा 3 कृत्रिम पोखरे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रंग बिरंगे कपड़ों से पूरे पोखरे को सजाया गया है तथा गेरुआ कलर के झंडे लगाए गए हैं, जिसके संबंध में नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने बताया कि राप्ती तट पर नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए 3 पोखरे बनाए गए हैं। विसर्जन स्थल पर जाने वाले सभी मार्गों की साफ सफाई के लिए अलग से टीम लगाई गई है, जो गंदगी की तत्काल सफाई कार्य कर रहे हैं तथा मार्गों पर तिरंगे लाइटों से सजाया गया है। यहां पर नगर निगम द्वारा कैंप कार्यालय की व्यवस्था की गई है, जहां पर निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विसर्जन स्थल वाले मार्ग पर स्वागत गेट बनाया गया है। प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है, साथ ही संपूर्ण रूट पर जगह जगह कैमरा लगाया गया है ताकि प्रतिमा विसर्जन के सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, प्रमुख स्थानों पर पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है तथा विसर्जन स्थल पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो दशहरा पर्व पे मूर्तियाँ पूरे महानगर में और अन्य क्षेत्रों में जो स्थापित हैं गोरखपुर जनपद में, उनके विसर्जन के लिए भव्य व्यवस्था इस बार की गई थी और की गई है। और इस समय जो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग जो है पांडाल को भी जो है 3 पोखरे और पोखरों के अतिरिक्त प्रशासन के लोगों को बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था, पांडाल और जो सजावट, विशेष रूप से जो हमारी सजावट की गई है, ये बहुत ही जो है भव्य तरीके से की गई है और ये एक तरह से अनोखा कार्यक्रम है। और हमारे नगरायुक्त महोदय ने बहुत बखूबी इस पे हम लोगों को एक एक पॉइंट पर क्या करना है, कैसे सजावट करनी है, इसको उन्होंने निर्देशित किया है और उनके निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार हैं मूर्ति विसर्जन के लिए। सर, कितने पोखरे बनाए गए हैं, कितने सीट्स? हमारे वहाँ इस समय जो है 3 पोखरे बनाए गए हैं और तीनों पोखरों में 3-3 जगह से मूर्तियाँ, मतलब एक साथ 9 मूर्तियाँ इसमें विसर्जित की जा सकती हैं।
और उनको विसर्जित करने का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो बालू की बोरियों से भर के बल्ली गाड़ करके मतलब काफ़ी मजबूती से बनाया गया है, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना की संभावना नहीं है। और रास्ते भी जो बनाए गए हैं आप जैसा कि देख रहे हैं कि मूर्तियों को ले जाने का अलग रास्ता है और विसर्जन के बाद गाड़ियों के आने का अलग रास्ता है, तो इससे ताकि कोई अवरोध उत्पन्न ना हो और किसी प्रकार की जो भी मूर्ति विसर्जन करने के लिए भक्तगण आवें उनको किसी परेशानी की समस्या ना रहे, किसी तरह का उनको जो है असुविधा ना हो।